दोस्तों, मैं हमेशा कहा करता हूं 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के पापों को धुले उसे गंगा कहते हैं। भारत का जो बेटा गंगा को धोने के लिए खड़ा हो जाए उसे रामदेव कहते हैं। स्वामी रामदेव हिंदुस्तान की शख्सियत है जिसने दिल्ली से लेकर यूएन तक, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान के छोटे से गांव तक हिंदुस्तान की तहजीब को, हिंदुस्तान के नाम को, हिंदुस्तान की इज्जत को ऐसे जिंदा किया है कि आज अंग्रेज भी अगर कलम लिखता है, आज अंग्रेज भी अगर कलम उठाता है तो इज्जत से स्वामी रामदेव का नाम लिखता है। आज इस मंच पे जमा सारे धर्म गुरुओं को गवाह बनाकर और इनकी जबान बनके, आप सब की जबान बनके, भारत के 7,50,000 गांव के गरीबों की जबान बनके बस एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, मुल्क की खातिर तुम्हें चलना होगा और अंधेरा हो तो घबराना नहीं, रात को सूरज को निकलना होगा। मुझे बताओ तैयार हो? ये आवाजें हैं। मैं समझता हूं अगर किसी मीडिया भाई के कैमरे का माइक्रोफोन भी खराब है तो भी सारा हिंदुस्तान सुन लेगा कि रामलीला में कितने चिल्ला रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इन भाइयों का कि इन्होंने हमारी ये चीखती चिल्लाती आवाजें, जो रोजे में एक मौलवी अपना गला सुखा के चिल्ला रहा है वो इसलिए कि मुझे यकीन है कि मैं किसी झूठे के साथ नहीं, मैं एक सच्चे के साथ हूं। बोलो, तुम्हें यकीन है? तुम्हें विश्वास है? 3 जून में मैंने शायद ये बात रखी थी और फिर दोहरा रहा हूं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या विश्लेषण करेंगे। इस देश को सेक्युलरिज्म से ज्यादा नेशनलिज्म की जरूरत है। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो अपने दोनों हाथों को उठाना ताकि मैं देखूं कि सबके दोनों हाथ उठे हुए हैं। इस देश को सेक्युलरिज्म से ज्यादा बहुत बेवकूफ बनाया गया हमें इस नाम से, नेशनलिज्म की जरूरत है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यह बताओ, तुम्हारी कश्ती में अगर कोई छेद कर दे, सुराख कर दे तो क्या करोगे? हां जी, बस आखिरी बात और फैसला कुन बात है, अगर कोई सुराख कर दे तो क्या करोगे? उसे समझाओगे? नहीं समझा डांटोगे, नहीं समझा उठा के फेंक दोगे कि अबे डूबना है तो अकेले डूब, सारी कश्ती को क्यों डुबा रहा है? समझ गए ना, समय आ गया है तुम्हें साथ मिलके सत्ता पे बैठे मगरूर लोगों को बताना होगा कि डूबना है तो अकेले डूबो, देश को क्यों डुबा रहा है? और बस अपनी बात को यही खत्म करके, यही खत्म करके हिंदुस्तान की उस गरीब गले में फंसी हुई रुंधी आवाज को बुलाना चाहूंगा जिसे दुनिया रामदेव के नाम से पुकारती है। लेकिन आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब लीडर आता है, जब मसीहा आता है तो शक्तियों को भी खड़ा होना पड़ता है। मैं बहनों से कहूंगा, मेरी बहनों से, क्योंकि जहां माए बहनें खड़ी हो जाती हैं वहां देश को खड़ा होना पड़ता है। खड़े हो जाओ और स्वागत करो इस आवाज से, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरी गुजारिश है उस शख्सियत से जिसके सीने में ज्वालामुखी है, जिसने सब्र करके अपनी शक्ति को अभी तक दबा के रखा है। ए दिल्ली में सरकार करने वालों, अगर रामदेव का ज्वालामुखी फूटा तो तुम्हारा सिंहासन जल जाएगा। भारत